हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूएई फ्रीलांस वीज़ा पार्टनर वीज़ा के इस समय पे क्या अपडेट्स हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, कई दिन पहले मैंने आपको इसका अपडेट दिया था और उस समय बताया था कि आप लोग इस समय पे फ्रीलांस वीज़ा वगैरह मत लीजिए। तो अभी अपडेट्स को चेंज हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं यूएई आना और फ्रीलांस वीज़ा में आना या पार्टनर वीज़ा में आना, तो क्या इस समय आप ये सारे वीज़ा ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इन सब वीज़े के लिए आपको इनसाइड द यूएई होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप आउटसाइड द यूएई, आप अपने होम कंट्री में बैठे, वहाँ से बैठे बैठे आप ये फ्रीलांस वीज़ा पार्टनर वीज़ा नहीं ले सकते हैं। आपको यूएई आना होगा विजिट वीज़ा में, सॉरी, उसके बाद आप लोग फ्रीलांस वीज़ा पार्टनर वीज़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर चॉइस की बात आती है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि फ्रीलांस वीज़ा लेना बेटर होगा या पार्टनर वीज़ा। तो देखिए, सबसे पहला मेरा आंसर होगा, आप विजिट वीज़ा में आइए, कोशिश कीजिए यहाँ जॉब ढूंढने की और वर्क वीज़ा हासिल कीजिए, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। लेकिन अगर इन दोनों में आप ऑप्शन पूछते हैं कि फ्रीलांस वीज़ा और पार्टनर वीज़ा में कौन सा वीज़ा बेहतर होता है, तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगी ये फ्रीलांस वीज़ा आप ले सकते हैं और यहाँ आके आप अपनी पसंद का काम कर सकते हैं। इसमें कोई स्किल्ड अनस्किल्ड कैटेगरी नहीं होती है, कोई भी चाहे ये वीज़ा ले सकता है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ जो है कि ये जब वीज़ा आप लेंगे ना, तो एजेंट के रिव्यूज़ या कोई अगर इनसे वीज़ा लिया है, जो यूएई के अंदर बहुत अच्छे भी एजेंट्स हैं जो प्रॉपर आपको काम करके देते हैं, प्रॉपर आपको वीज़ा निकाल के देते हैं, उन्हीं से आप वीज़ा लीजिए ताकि आपके पैसे जायज़ ना हों। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये वीज़ा जो होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं और पूरा प्रोसेस सेम होता है। आपको एमिरेट्स आईडी भी मिलेगी, आपको मेडिकल वगैरह सारी चीज़ें होंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एजेंट का जो चॉइस है वो बहुत मैटर करता है। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।